बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तुम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम दाल पालक बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने एक कप दाल ली है। और कौन सी दाल ली है? मूंग की दाल। अगर आप चाहें तो चने की दाल भी ले सकते हैं, उसको काफ़ी देर भिगोना पड़ता है, लेकिन ये आधा घंटा हुआ मुझे भिगोए हुए। और 200 ग्राम जो है मैंने पालक लिया, लेकिन 200 ग्राम पालक थी नहीं, 200 ग्राम कटने के बाद 200 ग्राम है, ठीक है। इसके अलावा नमक हमने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया, 3 जो है वो हरी मिर्च है उसको बारीक काट लिया, 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून जीरा है, और 1/4 टीस्पून जो है वो गरम मसाला है, 1 टमाटर है, 1 खाने का चम्मच चॉप्ड अदरक लेना है। अच्छा, दोनों चीज़ें चॉप लीजिएगा, अदरक और लहसुन को। लहसुन 2 चाय के चम्मच है, 1 अदद प्याज है, आखिरी में जाने के लिए धनिया है, और बाकी हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे 1/3 कप, ठीक है। फिर शुरू करते हैं। मैंने इसमें गर्म करने के लिए रखा है, लेकिन अभी ज़्यादा गर्म नहीं है, हम प्याज शामिल कर देंगे इसमें जो है वो। आप गर्म करके शामिल कीजिएगा ऑयल, क्योंकि आपको पता है जब मैं बहुत ज़्यादा गर्म कर लूँ ऑयल तो फिर उसका शोर ज़्यादा होता है, इसलिए मैं आपको बताने के लिए कि प्याज शामिल कर दें। इसको हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल भुना, मतलब सड़ा हुआ प्याज ये वो, बिल्कुल जिसको से कहते हैं सोते करना है। अदरक लहसुन टमाटर डालें और इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। नमक मिर्च हल्दी हरी मिर्चें, अच्छा गरम मसाला जो है वो हम आखिर में शामिल करेंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें शामिल करके इसमें 1 मिनट इसको चम्मच से मिक्स कर लेते हैं पहले, फिर पालक शामिल करते हैं। पालक को अच्छी तरह धो लीजिएगा, इसको मिक्स करें। अच्छा, जैसे 2 मिनट हमने इसको पालक को मिक्स किया है, और देखें देख कितनी कम हो गई क्वांटिटी में। अब इस टाइम पर हमने जो दाल भिगो के रखी हुई थी वो शामिल कर दें, मूंग की दाल। इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रखते हैं, जितनी आपको थिकनेस चाहिए उस हिसाब से और जितनी आपको पतली चाहिए उस हिसाब से। मैंने चावलों के साथ खानी इसलिए थोड़ी सी मैं पतली बना रही हूँ, ठीक है। इसको ढककर हमें पकने के लिए रख देना है। देखिए 1/2 घंटा जो है वो मैंने ढककर पकाई है। अब क्या करते हैं, फुल फ्लेम करके इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, क्योंकि दाल जो है वो गल चुकी है, लेकिन पानी और दाल जो है ना अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। इसको तकरीबन फुल फ्लेम पर 5 मिनट हम इसको मिक्स करते हैं डोई से दबा दबा के, या आप मदानी ले लें। देखें इस टाइम पर हमने जो है थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा सा छोड़ देंगे, ताकि वो हमने बॉल में भी शामिल करना है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं। इसको हमने चावल के साथ खाना है, इसलिए मैंने चावल भी साथ में ही बना लिए हैं। थोड़ा सा धनिया और जो थोड़ा सा हमने गरम मसाला बचा लिया था वो भी। देखिए ये दाल पालक तैयार हो गया है, उनमें पंजाबी सासा। एक कप ना मूंगी की दाल ली सी, तो वो 200 ग्राम मैं पालक चीर के रखी सी, लेकिन पालक नू मैं ज़्यादा लिया सी, तो ग्राम जड़े मैं बाद चो नापे से उन्होंने कट्टन के बाद, फिर उन्होंने अच्छी तरह धो के उन्होंने मैं इस्तेमाल किया। तो पहले मैं प्याज हल्का जहाँ जिन्होंने कहते हैं सोते करके लसन अदरक टमाटर पा के उन्होंने भुनिया, मैं नाल ही नमक मिर्च हल्दी तो जीरा वगैरह पा के हरी मिर्च पा के उन्होंने पालक में मैं मिक्स किया अच्छी तरह। 2 मिनट जो उन्हें थोड़ी और सॉफ्ट जी हो गई पालक, नाल ही दाल पा के पानी पा के पकना धरता है। आखिरी जो धनिया तो गर्म मसाला पा के जाना थोड़े सामने पेश किया बना के ट्राई करके मैंने जरूर दसना तो रेसिपी कैसी लगी। आज मेरी स्पीड कितनी ज्यादा है तो कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि तो मैं ये पता चलता है कि हाँ तो रेसिपी अच्छी लगी है। ट्राई करके जरूर दस देना, अपनी तो जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।